यूपी के बुलंदशहर में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी ने आज बुलंदशहर में प्रेस वार्ता की। नोडल अधिकारी आयुक्त मेरठ मंडल सीमेश राम ने आज प्रेस वार्ता में अहम जानकारी साझा करते हुए बताया कि बुलंदशहर में 12 हॉटस्पॉट चिन्हित हैं, जिनमें एक ग्रीन और एक ऑरेंज के अलावा 10 हॉटस्पॉट रेड जोन में हैं। बुलंदशहर में 10,000 से ज्यादा लोग होम क्वारंटाइन पर रखे गए हैं। बुलंदशहर में अब तक 5 लोग कोरोना वायरस से ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि एक डॉक्टर की इससे मौत हो चुकी है। हॉटस्पॉट एरिया के कंटेनमेंट जोन में 28,578 घरों के 1,36,871 लोगों की हेल्थ स्क्रीनिंग कराई जा रही है। जानकारी होगा अभी बुलंदशहर में 52 लोग अभी पॉजिटिव हैं इस समय और एक की मृत्यु हो चुकी है। 5 लोग इस समय ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और 46 लोगों का इस समय उपचार चल रहा है। जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव केस आता है वहाँ पे जो प्रोटोकॉल है ICMR का, WHO का, उसको हम लोग एपिसेंटर घोषित करते हैं और वहाँ पर हम लोग कंटेनमेंट जोन बनाते हैं और बफर जोन बनाते हैं। अगर एक केस है तो उसमें 1 किलोमीटर का कंटेनमेंट जोन बनेगा और अगर एक से ज़्यादा है तो वो कंटेनमेंट जोन 3 किलोमीटर का होता है। और इन्हीं कंटेनमेंट जोन को हम लोगों ने हॉटस्पॉट पर घोषित करा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो लॉकडाउन है उसका पूरी कठोरता के साथ इसमें अनुपालन किया जाएगा, किसी भी तरीके का इसमें मूवमेंट ना हो। लेकिन साथ ही साथ पब्लिक के कन्वीनियंस को देखते हुए जितनी आवश्यक सेवाएं हैं उनकी डोरस्टेप डिलीवरी यहाँ पर हमको जिलाधिकारी की टीम के द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। इसमें वर्तमान में 12 हॉटस्पॉट जनपद में चिन्हित हैं। हॉटस्पॉट्स को भी हम लोगों ने फर्दर कैटेगराइज करा है। कैटेगराइज ये करा है कि अगर केस चल रहा है उस हॉटस्पॉट में तो उसको हम रेड कैटेगरी का मान रहे हैं। 14 दिन से अगर कोई उस हॉटस्पॉट में केस नहीं आता है तो वो हम कहते हैं ऑरेंज कैटेगरी में आ गया। और फर्दर अगर 14 दिन और यानी टोटल 28 दिन तक अगर कोई केस नहीं आएगा तो वो हॉटस्पॉट ग्रीन जोन में हमको कन्वर्ट कर देंगे। तो वर्तमान में हमारे यहाँ पर एक ग्रीन और एक ऑरेंज हमारे 2 हॉटस्पॉट कन्वर्ट हो चुके हैं। बाकी चूँकि इधर हमारे पीछे काफ़ी सारे केसेज आए हैं तो उसमें बाकी सब हमारे रेड में हैं। इसमें मोटा मोटा बहुत डिटेल में जो कार्रवाई है प्रोटोकॉल के हिसाब से हम कर रहे हैं। इधर 2-3 दिनों में हम लोगों ने जो व्यवस्थाएँ देखी नियमित रूप से हम लोग जिलाधिकारी के साथ, SSP के साथ, CMO या फिर सर्वेलेंस ऑफिसर के साथ मीटिंग कर रहे हैं। पूरा फोकस इस समय कॉन्टैक्ट जैसे भी केस आएगा उसके कंटेनमेंट सर्वेलांस के ऊपर है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आइसोलेट करना पेशेंट को, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, जो ट्रेसिंग में जो लोग आएंगे उनको हमें क्वारंटीन करना और पूरे एरिया में डोर टू डोर सर्वे करना जिससे जो भी संभावित केस है उसको हम लोग क्वारंटीन कर सकें। तो पूरा फोकस सबसे इम्पॉर्टेंट इस समय यह है कि हमें वायरस को कंटेन करना है। तो उसी हिसाब से जिलाधिकारी की टीम द्वारा पूरी कार्रवाई जो हमारे कंटेनमेंट जोन है हॉटस्पॉट्स हमने की जा रही है। जैसे कोई केस पता चल रहा है जिलाधिकारी आपको समय समय बताते रहते हैं, उसका डिटेल में नहीं बताऊंगी। आउट टू सर्वे होना, क्वारंटीन की फैसिलिटी जनपद में पर्याप्त संख्या में दी गई है। करीब 10,000 लोग होम क्वारंटीन में भी हैं, जो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट है, लो रिस्क कॉन्टैक्ट वाले, उनकी भी बहुत गहनता से सर्वेलेंस किया जा रहा, बात की जाती है कि कहीं पर उनमें कोई भी किसी तरीके का लक्षण अगर आता है तो तत्काल हम लोग उसका संज्ञान लें। बुलंदशहर में सर्विलांस की मदद से भी कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों को तत्काल क्वारंटाइन किया जा रहा है। नोडल अधिकारी कमिश्नर मेरठ मंडल सीमेश राम और IG दीपक रतन ने बुलंदशहर में प्रेस वार्ता कर ये जानकारी साझा की है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।